हेलो दोस्तों, अग्निवीर मस्ती ब्लॉग में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय श्री राम। दोस्तों, रामलला मंदिर बन के तैयार हो गया है। जो भी सनातन में विश्वास रखता है, जो भी हिंदू है, उसको रामलला के नाम पर अपने घर पर ही दिवाली जैसा माहौल बनाना है, क्योंकि रामलला जनता के लिए जो कष्ट उठाएं, शायद कोई व्यक्ति कष्ट उठा नहीं पाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक ऐसा राजा थे कि जनता के लिए अपने दिल के टुकड़े उसे रखा। श्री राम स्वयं भगवान विष्णु का अवतार थे। अयोध्या जैसी पवित्र भूमि पर जन्म लेकर आए और पृथ्वी पर जहाँ पाप और जहाँ बुराई सबको मिटाने और पृथ्वी पर शांति का माहौल बनाने के वाला काम किए। 22/1/2024 को रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो गया है। सभी सनातनियों से अपील है, जो अगर अयोध्या जाना चाहें तो जाएं, जो नहीं अगर जाएं पाए तो घर पर ही मोमबत्ती, दीप बत्ती, अगरबत्ती, जो भी सजावटी सामान है वो अपने लगवाएं और श्री राम के नाम पर उस दिन थोड़ा बहुत विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। ऐसा मानो कि उस दिन दिवाली है। पूरे भारत में श्री राम के नाम पर उस दिन दिवाली मनाना है। हम लोग दिवाली मनाना चाहिए, क्योंकि राम हम लोगों के लिए वर्षों पहले इतना कुछ किए, हम उनके लिए थोड़ा कुछ नहीं कर सकते? उनके आस्था, हमको उनमें आस्था रखनी चाहिए। राम ऐसा महापुरुष थे जो अपने पिता के आज्ञा को मानकर 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। अयोध्या वासियों का वचन पूरा करने के लिए, सबका वचन पूरा करने के लिए अपने दिल के टुकड़ा सीता को अपने से दूर रखा, बस अपनी प्रजा की हिफाजत के लिए।